गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट साइंस चैप्टर 6 ऑफ क्लास फर्स्ट। चैप्टर 6 इज द एनिमल वर्ल्ड। आज हम लोग साइंस बुक पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर 6 एनिमल द एनिमल वर्ल्ड। फर्स्ट पॉइंट, वी सी मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। इट मीन्स हम लोग अलग अलग तरह के बहुत प्रकार के जानवरों को अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स आर दोज दैट वी कैन कीप इन आवर हाउस। इट मीन्स हम लोग पेट एनिमल्स उसको कह रहे हैं जो जिसको हम लोग घर में पालते हैं। जिस जानवर को हम लोग घर में हाउस के अंदर घर के अंदर रखते हैं, पालते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग पेट एनिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में पैरोट, डॉग, कैट, एटीसी। ये पैरोट, डॉग, कैट जो है ये पेट एनिमल्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स लिव नियर आवर हाउस। इट मीन्स फार्म एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे घर के नजदीक रहते हैं। इन शेड और इन फार्म, उसको हम लोग शेड में या फिर फार्म में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स में हॉर्स लिव इन हेस्टबल, काउ लिव इन शेड, हेन लिव इन कूप। हॉर्स कहाँ रहते हैं? अस्तबल में रहते हैं। ये हमारे फार्म एनिमल्स हैं। काउ शेड में रहते हैं, काउ भी हमारे फार्म एनिमल्स, कूप में रहते हैं, और ये हेन जो है ये भी हमारे फार्म एनिमल्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स इट मीन्स जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में, जंगल में। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, डियर, बियर, इटीसी। लायन, टाइगर, डियर ये सब हम लोग के घर में नहीं रह सकते, घर के आसपास भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जानवर जो होते हैं डेंजर होते हैं। सो ये जंगल में रहते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स लायन, टाइगर, डियर, बियर, इटीसी। नेक्स्ट आवर टॉपिक मैरीन एनिमल्स। इट मीन्स पानी में रहने वाले जानवर। मैरीन एनिमल्स लिव इन वाटर ओनली। मैरीन एनिमल्स जो होते हैं ओनली फॉर कहाँ रहते हैं? पानी में, वाटर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स डॉल्फिन, वेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, इटीसी। ये जो जानवर होते हैं सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, ये जमीन पे नहीं रह सकते। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। वो दोनों जगह रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी। फॉर एग्जाम्पल्स में हम लोग डक बोल सकते हैं। डक कहाँ रहता है? पानी में, देखते हो ना, और फिर बाहर भी जमीन पे भी चलते हैं हम लोग, देखते हैं उसको। टर्टल्स ये भी जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। क्रोकोडाइल ये भी पानी में रहता है और लैंड में भी रहता है। फ्रॉग इटीसी ये जानवर एम्फीबियंस में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एरबोरियल एनिमल्स। एरबोरियल एनिमल्स लिव ऑन ट्री बट आर नॉट बर्ड्स। ये एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पेड़ पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, लेकिन वो पक्षी हैं? नहीं है, वो बर्ड्स नहीं है। बट आर नॉट बर्ड्स, वो पक्षी नहीं है लेकिन वो पेड़ पर लिव ऑन ट्री रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स में, फॉर एग्जाम्पल्स में कोयला, चमेलियन, स्क्वायर, मंकी, इटीसी। ये सब जो है, स्क्वायर देखते हो ना, गिलहरी, ये पेड़ पर रहते हैं, लेकिन क्या वो पक्षी है? तो नहीं, वो एनिमल्स में है। नेक्स्ट आवर पॉइंट्स बर्ड्स। बर्ड्स आर फ्लाइंग एनिमल्स। बर्ड्स क्या है? ये फ्लाइंग एनिमल्स है, उड़ने वाले जानवर है। फॉर एग्जाम्पल्स वुडपेकर, पैरोट, पीकॉक, स्पैरो, इटीसी। ये जो है फ्लाइंग एनिमल्स, उड़ने वाले जानवर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। अभी हम लोग बर्ड्स के बारे में जाने, अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के भी पार्ट्स होते हैं, बर्ड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। बर्ड्स के भी पार्ट्स हैं जिसमें कुछ बर्ड्स जो होते हैं नहीं उड़ते हैं, कुछ बर्ड पानी में रहते हैं। सो बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, वैसे पक्षी के बारे में जानेंगे जो नहीं उड़ता है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई लाइक अदर। वो दूसरे पक्षियों की तरह, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो दूसरे पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते। दे कैन ओनली वॉक और रन। वो सिर्फ चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं, वो उड़ नहीं सकते।
फॉर एग्जाम्पल्स में पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी इटीसी, ये बर्ड जो होते हैं इनका बॉडी जो होता है थोड़ा ऑस्ट्रिच जैसे हेवी बॉडी होता है, फेदर भी होते हैं, लेग विंग्स भी होते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं। पेंगुइन के पास भी विंग्स होते हैं लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। कीवी भी फ्लाई नहीं कर सकता है, ये ओनली फॉर वॉक एंड रन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वॉटर बर्ड्स, बर्ड्स दैट लिव इन वॉटर, वैसे बर्ड्स जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, बर्ड्स दैट लिव इन वॉटर, वैसे पक्षी जो सिर्फ पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स में श्वान, क्रैंक, गोद इटीसी, ये जो है बर्ड्स जो होते हैं सिर्फ पानी में रहते हैं। श्वान हंस ये पानी में रहते हैं, क्रेन जो है ये भी पानी में रहते हैं, गोज ये भी जो है पानी में ही रहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्ट्स, अब हम लोग इंसेक्ट्स इट मीन्स कीड़े मकोड़ों के बारे में जानेंगे। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इंसेक्ट जो होते हैं ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, वो बड़े एनिमल्स की तरह बड़े बड़े नहीं होते, इनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। मोस्ट इंसेक्ट्स आर फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, बहुत जो इंसेक्ट्स होते हैं कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं किस किस मदद से, देयर विंग्स, वो अपनी पंखों की मदद से, विंग्स की मदद से फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एंट, बीज, लेडी बग इटीसी, ये जो इंसेक्ट्स है ये सारे इंसेक्ट्स है और ये इनके पास विंग्स होते हैं और ये फ्लाई करते हैं। सो टुडेज क्लास इज ओवर, नाउ योर होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर एंड डू क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।